नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करीमा प्रथम नजर पकड़ हेडलाइंस राति पाइले महाप्रभु सबुठ बड़जात्रा का बड़दाण्ड को ओह्लैबे कला ठाकुर आज्ञामाल पाइबा सिंहद्वार अभिमुखे तीन रथ राज्य में कोरोना मृत्यु लगुनी ब्रेक रेकर्ड 65 जन जीवन नेला भाइर 24 घंटे 2282 पजिट खोर्धु सर्वाधिक 592 आक्रांत और 14 मृत्यु कोरापुट जमी बिवाद को नहीं गोष्ठी संघर्ष दुई मृत पांच आहत दुई भाई भितर गंडगोल नेला उग्र रूप आहत दशमंतपुर मेडिकल भर्ती मनरेगा वृक्षरोपण में सामिल होती अयोग्य हिताधिकारी संबलपुर केसापाली गांव घोटालार अभोग बलांगीर उपरझर पंचायत में भी गछ लगे नारे 15 लक्ष अधिक टंका चलू एवं खोलिला हीराकू जलभंडार दुईट गेट निष्कासित बर्षर प्रथम बन्याजल जलस्तर वृद्धि पाथ्वर निष्पत्ति तलमुंडर बार जिलापा और एसपी को सतर्क सूचना जारी राति पाइले रथयात्रा नवदिनात्मक यात्रा बड़दाण्ड को ओह्लैबे चतुर्धामूर्ति एथिपाई रथ प्रस्तुत पथ भी प्रस्तुत अपेक्षा केवल महाबाहुं आगमन को रथकला को आज्ञामाला विजय कले पूजा पंडा महाप्रभु आज्ञामाला पाइबा परे सिंहद्वार चकड़ा अभिमुखे बाहर तीन रथ यापर रथर चक और अखरे तैल लगी सेपटे श्रृंखलित रथयात्रा त्रिस्तरीय सुरक्षा बल श्रीक्षेत्र जल स्थल और आकाशपथे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी होर को 12 जोन बड़दाण्ड को 4 जोन में विभक्त करा प्राय 65 प्लाटून फोर्स मुतयन 10 जन अतिरिक्त एसपी 31 डीएसपी 64 इन्स्पेक्टर 222 एएसआई एसआई हे मुतयन पूरी सब प्रवेशपथ सिल हो सीसीटीवी नजर रुरी सहर आज रात 8 13 तारीख रात 8 जाए कर्फ्यू लगे संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि आलोक आशुतोष रही आलोक वर्तमान कौन चली कारण रथ दक्षिण मोड़ करा जो सेवायत मैंने नियोजित हे रथ रथ टणा कार्य से सामिल रही तो वर्तमान कौन चली देखते नीलिमा वर्तमान श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार जगतगुरु शंकराचार्य मान जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती को भेटा को आंकराचार्य मठ को गोवर्धन पीठ को आंकराचार्य को निमंत्रण कर रथ उपरि जा रथ उपरक जा चतुर्धा विग्रह को दर्शन करेंगे यहाँ सहित रथयात्रार सुपरिचालना किभर एवं नीतिकांति महाप्रभु किभली श्रृंखलित पार ये तमाम दिग्वर वर्तमान डॉक्टर किशन कुमार जी रही श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक जगतगुरु शंकराचार्य सहित पुंखानुपुख आलोचना कर जगतगुरु शंकराचार्य सहित केते जन रथ उपरक जीवे ताकि किसी समय तो स्पष्ट हम तो निश्चित भाव में प्रत वर्ष गोटे रुटीन वर्क आम कहीपर यह कारण प्रत वर्ष जगतगुरु शंकराचार्य रथ उपरक जाती चतुर्धा विग्रह को दर्शन करते कि पूर्व निमंत्रण देवाक आमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार आप देखते वर्तमान गोवर्धन पीठ से वर्तमान श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अच्छा जगतगुरु सहित आलोचना कर जगतगुरु को निमंत्रण कर रथ उपरक आसवे महाप्रभु को दर्शन करेंगे तो निश्चित भाव में रथयात्रार नीतिकांति किभली श्रृंखलित पार सेवायत मैंने किभली भाव परस्पर सहित समन्वय रक्षा कर महाप्रभु नीतिकांति श्रृंखलित भाव संपादित करेंगे रथयात्रार सुपरिचालना किभली भाव हो पार ए तमाम दिग्वर वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य मध्य परामर्श देते निश्चित भाव में गोटे बैठक टी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बहन करीमा आलोक सब बड़ कथ हूँ केमती नीतिकांति जो नियम मानने जो समय निर्घंट कर से अनुसार सर तो से नहीं बर्तमान मानने कि भाव में तदारख कर देखो नीलिमा समस्त सेवायत प्रतिश्रुति समस्त सेवायत सहित श्रीमंदिर प्रशासन उपयुक्त समन्वय रक्षा कर प्रशासन तरफ स्पष्टीकरण दी चलित वर्ष आप देखिए रथ निर्माण जो भाव खूब द्रुत गति से आगे चलला और रथ निर्माण खूब शांति श्रृंखला सहित है ठीक से ही भाव महाप्रभु पहंडी ठार आरंभ कर रथ टणा पर्यंत सबकि नीतिकांति श्रृंखलित सहित हम सेवायत मैंने रथ टणा समय महाप्रभु सम्मुख में कहीं जमी उपस्थित रही है ना कहीं जमी महाप्रभु सम्मुख में ठिया हो पारे ना तार उपर विशेषकर ध्यान दी जाऊँ जो अगणित भक्त श्रद्धा घरे बसिक गणमाम जरिया हूँ कि टेलीफोन जरिया हूँ कि टी जरिया हूँ महाप्रभु को स्पष्ट रूप दर्शन करेंगे तरह विशेषकर फोकस दी जाए समस्त सेवायत प्रतिश्रुति देखते समस्त नीतिकांति को सुचारू रूप संपादित करेंगे महाप्रभु को आपत जानते आसंता खाली रथ प्रतिष्ठा हाब रथ प्रतिष्ठा हाब मंगला
मंगलार्पण हम एवं मंगलार्पण होगा पर धाड़ी पहुंचे चतुर्थ विग्रह आसवे रथ उपरकु और पर गजपति महाराज छेरापहरा करेंगे तापर रथटणा कार्यक्रम अनुषित हे छतीसा निजोग जो समय सीमा निलीमा धार्य कर ठीक से ही समय सबकि नीति अनुषित हे जहाँ जिला प्रशासन श्रीमंदिर प्रशासन और सेवायतों तरफ स्पष्टीकरण मिली तो निहती भाव आलोक आम अपेक्षा करने आसंता काली कारण आसंता काली हूँ से शुभ दिन जिते कालिया ठाकुर आसवे बड़दाण्ड को पतित उद्धार पर से आसवे भक्त श्रद्धालु दर्शन कर निजक धन्य मिले धन्यवाद आलोक प्रतिनिधि आलोक आशुतोष कोरोना कटकणा भितर श्रीजीवों घोषयात्रा आपण घर बस महाप्रभु दर्शन करतु अर्गस मध्यम सबु नीतिकांतिर सीधा प्रसारण सहित गोल्ड कॉइन जितबार सुजोग रही अर्गस रथयात्रा क्विज्रे भाग निंतु और प्रति अधघंटे जितंतु गोल्ड कॉइन एथपाई डाउनलोड करूँ अर्गस आप मन रखु केवल आप जरिए ही आपण एक क्विज्रे भाग नहीं पारे रथयात्रा और सुनावेशर सीधा प्रसारण देखु आर्गस न्यूज आप्रे प्रश्नर उत्तर दे प्रति अधघंटे खिमजी ज्वेलर्स तरफ जितंतु सुना मोहर तुरंत डाउनलोड करंतु आर्गस न्यूज आप महाप्रभु एक भजन को उन्मोचन करिसंति केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भजनटी को बीजेपी जातीय मुखपात्र संबित पात्र और गायक कैलाश खीर गाई उन्मोचन कार्यक्रम में जातीय मुखपात्र संबित पात्र पूरी विधायक जयंत षडंगी उपस्थित रही थे या सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए जोड़ी होते गायक कैलाश खीर रथयात्रा पूर्व यह वीडियो रिलीज लोकों को बेस पसंद आसवि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान या सहित संबित पात्र भाई उद्यम अने करतु कहते सेपटे पूरी न जाई घरे रही महाबाहूं भजन गायबा को अनुरोध कर बीजेपी जातीय मुखपात्र संबित पात्र सहित महामारी समस्त को रक्षा करने को जगन्नाथ निकट में प्रार्थना कर भारत सुनामधन्य गायक भक्ति संगीतर जड़े प्रचंड अनुजाई कैलाश खेमकर द्वारा रथयात्रा पूर्व दिन रथ काली हब महाप्रभुंकर ये पवित्र यात्रा कालीठ आरंभ हम तार पूर्व दिन ये भलिया एक भजन ये भलिया एक समर्पण संगीत गीत संबित बाबू आउ कैलाश खरे मिशिकी जो गोटे अभिनव उपाय रे कोरोनार विकट स्थिति बेले दि वर्ष है महाप्रभुंकर रथयात्रा विश्वरे हो पुरी रे केवल हो बहुत कटकणा भितर करने पड़ी स्वास्थ्य आह्वान को देखिकी कोविड रो आह्वान को देखिकी महाप्रभुंकर बोधे से ही इच्छा किंतु आज आधुनिक समय भगवान को प्रशंसा करिबा समर्पण दबा तांकु भक्ति प्रकाश करिबार टेक्नोलोजी माध्यम रे नुआ नुआ उपाय बंधु मान अवलंबन करुछंती पुरी रो आमर संबित भाई ये कार्यक्रम को संयोजना करिके निजे से जने जगन्नाथ कर प्रबल ओडिया भावे बड़ अनुरक्ति तांकर अछि समर्पण अछि आज से जो एक अभिनव प्रयास कले कम से कम महाप्रभु को आम आउ रथ रे तो पुरी जाकि पहुँचवा संभव हो किंतु तार विकल्प रे ए प्रकार अभिनव इनोवेटिव इनिशिएटिव निश्चित भावे भक्त मानक मन भितर आहुरी आस्था तैयारी हे ये गोटे भल उद्यम है
ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ବାହାରିବେ କାଳିଆ ଠାକୁର। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ। କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଯଦି ଦେଖିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେଇ ସାରିଲାଣି ରଥରେ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାର। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭିଜୁଆଲ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥରେ ଯାଇକି ଠାକୁର ବିଜେ ହେଲା ପରେ ରଥକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ସିନ୍ହା। ସନ୍ତୋଷ, ଯଦିଓ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାବଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି କାଲିକୁ ଆତୁରତାର ସହିତ କି ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ରଥରେ ବିଜେ ହେବେ, ରଥାରୂଢ଼ କେତେବେଳେ ହେବେ, ଏବଂ ଚର୍ମଚକ୍ଷୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ବି ଧନ୍ୟ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ତ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ସିଧାସଳଖ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ତିନି ରଥ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ରଥ ଖଳାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଯାଇସାରିବା ପରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ତିନି ରଥ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ତାଳ ସିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଖାଁ ଖାଁ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତା ସହିତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାପନ କରିବେ, ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଚଳିରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେଉଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଲଗାତାର କମ୍ ଯେଉଁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କାହିଁକିନା ରଥଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡିୟମାନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳ ସିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ରାତିଠୁ ହିଁ ପୁରା କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେବ, ପୋଲିସ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଶହ ଶହ ଅଫିସର ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପୁରୀ ସହରରେ 12 ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 4 ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ତା ଭିତରେ 65 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ତାଜା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାତି 8 ଯେତେବେଳେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ, ଆଜି ରାତିଠୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ, ପୁରା ପୁରୀ ସହରକୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ କାହାକୁ ବି ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଛାତ ଉପରେ ରଥଯାତ୍ରା ମିଳିନାହିଁ, ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି, ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ବି କେହି ରଥକୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ହୁଏତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହସୁଛି, କାଳିଆ ଆସିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭକ୍ତ କାନ୍ଦୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣାନୁକୋଣରୁ ଆସି ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ରଥଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୀଳିମା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ୍ପରା କିନ୍ତୁ ବଜାୟ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଖୁସିର କଥା। କରୋନା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେଉ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି କାଳିଆ ଠାକୁର ବାହାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି ରେକର୍ଡ 65 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 14, ବରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4599 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଭଳି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରୁ 2282 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 592 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରୁ 299, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 141, ପୁରୀରୁ 127, ଯାଜପୁରରୁ 111 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 25461 ପହଞ୍ଚିଛି।
राजधानी बस्ती आतंकराज मन इच्छा बुलुची खंडा बापूजीनगर केदारपल्ली बस्ती में चांचल्य तीन जन युवक जन पर खंडा देख आतंकित करने सहित धमक देवार देखा मिली भिडियोटी बापूजीनगर केदारपल्ली बस्ती होती जमापड़ राजधानी छाती उपर क्यापिटाल थाना ठार मात्र 500 मीटर दूर से एभली आतंक सृष्टि घटना लोकों भयभीत कर जे पर घर छड़ी पलैवा को किसी लोक धमक चमक दे मयूरभंज करंजिया उपखंड में हाथी उपद्रव जहाँक नहीं अस्तव्यस्त जनजीवन करंजिया रेंज देउली गांव में हाथी पोल गोटे घर भांगा सहित व्यापक फसल नष्ट करते खासकर करंजिया ठाकुरमुंडा सुकरुली एवं ररुआ ब्लक लोक राति न सोई घर सम्मुखें जगि रही सेबे वन विभाग कर्मचारी झारखंड को हाथी पोल घोड़ाई उद्यम आरंभ कर किदिन हेब केन्दुझर जिलापट दुईट हाथी पोल आसला शनिवार विलंबित राति में आउ गोटे हाथी पोल पशि करंजिया वनखंड में मोट 33 हाथी रही वन विभाग कही दुधियाणी रेंजर सुनापोषी जंगल में 7 हाथी रही ठाकुरमुंडा रेंज अधीन खेजुरिया जंगल न करंजिया रेंजर पार्वतीपुर गाँ निकटे आंब बगिचार 11 हाथी रही रविवार विलंबित राति में आउ एक 6 हाथी पोल सुनापोषी जंगल को पशि आसी बर्तमान सुधा करंजिया रेंज में जोटा कि 23 हाथी प्रवेश कर तो बड़ दुखर कथा जोटा कि आमर 25 दिन राति प्रयास चली जाइए जोटा कि आम स्टाफ मान बारंबार चेष्टा करने सत्ते से मुवमेंट को चेंज कर पारना जोटा कि आम चेष्टा चलूँ को झारखंड मुहा करने हाथी बर्तमान करंजिया उपखंड में आगु 18 के 12 15 हाथी आसते बर्तमान 33 हाथी आसी शुणा को मिली एवं वन विभाग जो भाई हाथी उड़ेवा कार्य नियोजित अच्छा किंतु जो भाई भाव ढंग से अच्छा टी अधिक उन्नत मानर करथाशीघ्र घोड़ा जापर एवं जनसाधारण पूर्ण सहयोग दरकार जनसाधारण पूर्ण सहयोग कले ये अंचल हाथी मान घोड़ झारखंड अंचल जो हाथी मान आ जंगल को खेदा जापर पठा जापर आज खोलिला हीराकूद जलभंडार दुईट गेट दिन 11 हीराकूद जलभंडार प्रथम बन्याजल निष्कासित एने तलमुंडर 12 जिलापा और एसपी को सतर्क सूचना जारी कर तेज जलस्तर क्रमगत भाव में वृद्धि पाथ्वर एभली निष्पत्ति ड्याम करतृपक्ष फल नदी भितरक जावाई बारण कर लिखित भाव अवगत कर हीराकूद ड्यम्र अतिरिक्त मुख्य जंत्री गर्भवती महिला देवदूत साजिले रेलवे पुलिस स्टेशन में गर्भवती प्रसव कराई चर्चा भुवनेश्वर रेलवे पुलिस रेलयात्री सहयोग हाथ बढ़ाई एवं चर्चा राजधानी जनगहलीपूर्ण स्टेशन हावड़ा जशवंतपुर आसुवा एक ट्रेन में जड़े गर्भवती जंत्रण में छटपट होता स्टेशन को सूचना आसला यापर स्टेशन में आरंभ होता प्रस्तुति ट्रेन टी 4:44 प्लाटफर्म पहुंचा क्षण पूर्व प्रस्तुत होता आरपीएफ एसआई सचला प्रधान और मिरी सहेली टीम तुरंत सहयोग कर गर्भवती महिला ट्रेन बाहर को आनते उपस्थित थिबा रेल डाक्तर और टीम महिला स्वास्थ्यावस्था तदारख करते महिला जनक 4:55 एक शिशुपुत्र को जन्म देते यापर महिला जनक आंबुलांस जगे कैपिटल हस्पिटाल पठा जाता रातिर लाइव वीडियो और दिन में घर भितर मृतदेह उद्धार एभली हृदय विदारक घटना देखा मिली केन्दुझर आनंदपुर अंचल मृतक जनक होती आनंदपुर ब्लक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भाव कार्यरत पपू साहणी पपू अनेक समय निशासक्त अवस्था आत्महत्या उद्यम करते पपू फेसबुक लाइव आसवा सहित निज हाथ को काटिदी देख जे सांग पपू घर को आसते पपू रूम भितरपट लक् थंग जनक स्थानीय लोकों सहायतार पुलिस को खबर देते घटनास्थल में पुलिस पहुंचा सहित अतिरिक्त तहसिलदार पहुंचते समस्त उपस्थित पपू को मृतदेह झुलंत अवस्था घर भितर उद्धार कर मृत्युर कारण अस्पष्ट रही कहीं कहीं प्रेम जनित मृत्यु होपे चर्चा करुवा बेले पुलिस तदंत पर सत सामना को आसीपार बोली आशा करा खबर ब्रेक
ପ୍ରେକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଗତ। କୋରାପୁଟରେ ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ହାତୀମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା, ଶନିବାର ରାତିରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉପପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଚାରି ଆହତଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଦଶମନ୍ତପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜୁଲାଇ 23ରେ ହେବ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ, ଲୋକସେବା ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କୋଠରୀରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି, କୁଳସଚିବ ଓ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏହି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିବେ। ୟୁଜି, ପିଜି, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା, ଆଡମିଶନ, ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଘର ଭିତରୁ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର, ସାପଟିର ଲମ୍ବ 6.5 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ଓଜନ 10 କେଜି ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁମନା ପାଇକପଡ଼ାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଅଜଗର ସାପ ପଶିଯାଇଥିଲା। ସାପକୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ କୁମନା ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭେଟନାରୀରେ ଅଜଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ତନ୍ଦୁଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।